अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा आपने कई बार सुना होगा। देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का माहौल बन रहा है और फिलहाल इसके केंद्र में है काशी का ज्ञानवापी। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही पश्चिमी सूबे में एक और जगह ऐसी ही चिंगारी सुलग रही है। ये मामला है मथुरा के शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का। मथुरा की जिला अदालत ने इस मामले को लेकर दायर की गई एक याचिका मंजूर कर ली है और इस मामले में अब सुनवाई होने वाली है। ये मामला है शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर। मांग की गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी मस्जिद को ही हटा दिया जाए। अब ये हटेगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम आपको किस्सा बताते हैं कि वहां पर मस्जिद आई कहां से और ये किसने बनवाई थी, विवाद की जड़ में आखिर है कौन। एक बात आपको और बता दें कि कोर्ट में जिन्होंने मस्जिद हटाने की मांग की है उनका दावा है कि भगवान कृष्ण की असली जन्मभूमि वही है, ना कि जो मौजूदा परिस्थितियों में आम लोगों को नजर आती है। खैर अब पीछे इतिहास में चलते हैं। जैसा कि इतिहास काशी का है, जैसा इतिहास सोमनाथ मंदिर का है, कुछ वैसा ही इतिहास मथुरा में जन्मभूमि का भी है। यानी कि इसे कई बार बनाया और कई बार इस पर हमला किया गया और इसको तोड़ दिया गया। धार्मिक किताबों की माने तो 5000 साल पहले यहाँ मलपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में कृष्ण के मामा कंस की जेल हुआ करती थी, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों को आधार मानकर कई इतिहासकार भी इसे ही कृष्ण की जन्मभूमि मानते हैं। मंदिर बनने और तोड़े जाने के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पर कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने मंदिर बनवाया था। ऐसे किस्से मथुरा के लोक कथाओं और गीतों में खूब है। हालांकि बाद में वक्त के साथ ये खंडहर होता गया। इसके बाद 780 से 857 ईसा पूर्व में वसु नाम के शख्स ने यहाँ पर मंदिर की फिर से स्थापना की। इस मंदिर का भी हाल वक्त के साथ खस्ता होता गया और ठीक से रखरखाव न होने के कारण खराब हालत में हो गई। इतिहास में ही इसका भी जिक्र आता है कि गुप्त काल में राजा विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। इसका जिक्र चीनी यात्री फाहयान और वेनसांग की किताबों में भी है। इसके बाद दौर शुरू हुआ मंदिर पर इस्लामिक हमलों का, जिसमें पहला हमला किया था महमूद गजनी ने। सन 1017-18 के आसपास गजनी ने कृष्ण मंदिर समेत मथुरा के कई मंदिरों को तोड़वाया था और भारी लूट मचाई थी। ये मंदिर गजनी की नजरों में इसलिए चढ़ा था क्योंकि ये काफी भव्य था। ये पहला मौका था जब किसी मुस्लिम आक्रांता ने इस पर हमला किया था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिर आया साल 1150, महाराजा विजयपाल देव के शासन में जज नाम के एक व्यक्ति ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ऐसे शिलालेख मथुरा की खुदाई के दौरान मिले थे जो इस बात को पुख्ता करते हैं। इस मंदिर की भव्यता को फिर से मुस्लिम आक्रांताओं की नजर लगी और 16वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में सिकंदर लोधी ने इस पर हमला किया और फिर इसे नष्ट कर दिया। राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने लोधी के हमले के 125 साल बाद फिर से यहां मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार फिर कटरा केशव देव में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अकबर जहांगीर के दौर में भी हमले हुए लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हुए थे। बीच में एक किस्सा गोवर्धन में युद्ध का भी आता है जहां पर मुगलों को मराठों ने हरा दिया था, लेकिन इस पर काली नजर पड़ी औरंगजेब की। फ्रेंच यात्री टेबर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए। वो लिखते हैं कि मंदिर बेहद शानदार था। इसके अलावा इटालियन यात्री मनुची ने भी इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं कि इसके शिखर पर इतना सोना लगा था कि दिवाली की रात जब दिए जलते थे तो शिखर कोसों दूर तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि आगरा में भी ये नजर आता था। मंदिर की यही बातें औरंगजेब को खटकी थी। 1669 में औरंगजेब ने हमला किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसी के मलबे से वहां पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। छोटा सा यहाँ पर विषयांतर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये विवाद कुल मिलाकर 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ में कृष्ण जन्मभूमि है और 2.5 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। अब आप पूछेंगे कि हिंदुओं के पास ये 10.9 एकड़ जमीन आई कहाँ से जब वहां पर इतने हमले हुए। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद साल 1815 में एक बोली लगी थी। ये बोली थी मस्जिद के पीछे की जमीन की। इस बोली में बनारस के राजा पटनीमल ने ईदगाह के पीछे की जमीन को खरीदा था। कट टू 1940 यानी कि साल 1940 में महामना मदन मोहन मालवीय यहां पहुंचे और इस जगह की हालत देखकर वो काफी निराश हुए थे। बाद में देश के बड़े कारोबारी और मालवीय जी के करीबी माने जाने वाले जुगल किशोर बिरला जी ने इसे बनाने की जिम्मेदारी ली। 21 फरवरी 1951 को मंदिर का ट्रस्ट बना और 1953 में मंदिर के जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू हुआ। मंदिर बनकर तैयार हुआ और साल 1958 में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लोगों के लिए इसे खोल दिया गया था। जो मंदिर आज हमें नजर आता है वो साल 1982 में बनकर तैयार हुआ था। दावा है कि मस्जिद वाली जगह ही भगवान कृष्ण की असली जन्मभूमि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगलों ने ही इस पर हमला किया था और मंदिर बनने के काम को रोका था। बाद के सालों में भी मंदिर बनवाने से रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से काफी कोशिशें हुई। साल 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई थी ताकि यहां पर मंदिर ना बने। 1953 में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद
बिड़ला जी ने यहाँ पर मंदिर बनवाने का काम शुरू किया था। ऐसे ही तमाम किस्से कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत। धन्यवाद।